दुनिया में ओशंस और जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, और आज जो कॉन्टिनेंट्स हमारे दुनिया में बने हुए हैं उनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो एक थ्योरी से बनी है, और उस थ्योरी को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दैट थ्योरी इज़ कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, विच वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। सो एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो ज्योग्राफी के अंदर, जब भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, पूरे धरती के ऊपर जो लैंड मास है और उसके साथ पूरा जो ओशंस पानी है, ये बना कैसे। एक बहुत बड़ा लैंड मास था, फिर धीरे धीरे वो ब्रेक होता गया, उसमें से पहले दो लैंड मासेस ब्रेक हुए, फिर उसमें से फर्दर धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इसको बनने में, फिर धीरे धीरे बहुत सारे जो आज हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है दैट इज़ एशिया, फॉलोड बाय अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, और इसके साथ साथ एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो कॉन्टिनेंट्स फाइनली बने हैं जो आज हमारे पूरे के पूरे ग्लोब में दिखते हैं। सो कहीं ना कहीं इनके ओरिजिन का जो बेसिक पार्ट है वो देखते हैं हम। सो सबसे पहले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इट वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर इन द ईयर 1912। सो ये कहती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो ये है, जो पूरे अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट होते हो गए इंटू ओशन बेड। अगर इसको और सिंपल वे से समझते हैं, इसका मतलब क्या है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो शिफ्ट होते हुए, उनकी जो पोजीशन है वो शिफ्ट होती गई किसके ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर। ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम दी मैप ऑल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ग्लोब है, उसमें जो ये लैंड मास है सर्कल के अंदर और इसके साथ साथ जो ये पूरा वाइट कलर में बना है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेंजिया। ये पूरा क्या कहलाता था, इट वॉज कॉल्ड एज पेंजिया। और इसके साथ जो पूरा का पूरा ओशन है, पानी है सारा का सारा, दिस वॉज कॉल्ड एज पेंथलाशा। और यहाँ पे अगर इसको और डिटेल में देखते हैं, वन सिंगल कॉन्टिनेंट दैट इज कॉल्ड एज मा सुपर कॉन्टिनेंट, ये वाला जो सारा है दैट इज द मा सुपर कॉन्टिनेंट, इसको बोलते हैं पेंजिया एज यू कैन सी हियर। और 200 मिलियन ईयर्स अगो ये ब्रेक होता है लॉरेशिया और गोंदवाना लैंड के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 नियर अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो जो पेंजिया है वो ब्रेक होता है दो फर्दर लैंड मासेस के अंदर, एक ऊपर वाला दैट इज कॉल्ड एज लॉरेशिया और जो नीचे वाला दैट इज कॉल्ड एज गोंदवाना लैंड। और इसके साथ साथ जो पूरा का पूरा पानी है एज सच, और एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे समझने वाला, दैट इज टेथिसी। यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड एज टेथिसी। वो लॉरेशिया और गोंदवाना के बीच में जो लैंड मास है वो है, और जो कॉन्टिनेंट के बीच में जो है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड एज टेथिसी। एंड लेटर ऑन टेथिसी जो है वो कहीं ना कहीं एल्प्स माउंटेन्स जो यूरोप के अंदर स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर के बीच में आता है, वहाँ पे वो भी बनाने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ जो एशिया के अंदर हमारे हिमालयाज आते हैं वो भी कहीं ना कहीं टेथिसी के कारण, उसके आसपास की बेल्ट के कारण बने हैं। सो ये है एक बेसिक थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पूरा का पूरा लैंड मास आप देख सकते हैं, ये पूरा ऑल लैंड है, और जो पूरा का पूरा पानी है दैट इज़ द ऑल वाटर एरिया। सो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम 1912 एज द थ्योरी वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। लेकिन अगर हम इसमें इसी थ्योरी के बेस की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं 1526 से, सबसे पहली बार एक अब्राहम नाम का कार्टोग्राफर था, उसने इसके कंसेप्ट दिए थे, फॉलोड बाय हिम देयर वॉज एंटोनियो। सो एंटोनियो के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो बनाई गई थी दैट वॉज मेड बाय एल्फ्रेड वेगनर। सो ये थे इसके सारे की कंसेप्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी सीरीज़ में आने वाले टाइम पे हम वीडियोस बनाने वाले हैं जो ज्योग्राफी सीरीज़ की होंगी, जिसमें एक एक कॉन्टिनेंट्स को हम देखेंगे, उनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे डिस्कस करेंगे इन अ वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर मैनर। सो आई होप यू विल बी गेटिंग द हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।